सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी हिंदी इंग्रजी उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आज कक, कक, आज कक्षा दस्वी... के भूगोल के पुस्तक परिचय करने जा रहे अध्यापक सैयद अजीज बशीर आप पहले चित्र में जो दिया है पुस्तक परिचय में इसमें जो है कि ये डल झील है और डल झील और जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारी झीलें छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें उसमें दो बड़ी झीलें उलर और डल झील लेकिन यहाँ पर यह श्रीनगर की डल झील का चित्र दिया है और यह डल झील की तीनों और यानि पहाड़ियाँ है और यह डल झील 18 किलोमीटर में फैली हुई है और यह चित्र में जो यहाँ पर दिया है शिकारा शिकारा का मतलब होता है यानि बड़ी नाव और सन उन्नीस सौ यानि 2017 में शिकारा रेस का आयोजन किया गया आज वहाँ पर यानि तभी तब से लेकर आज जो है यानी शिकारा रेस आयोजन चलता आ रहा है यहाँ पर बहुत सारे यानि डल झील जो है बहुत प्रसिद्ध यानि झील है यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आते या यहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही रमणीय है दूसरा जो यहाँ पर चित्र दिया है यह है यानी हिमालय पर्वत रेखा और वहां से निकलने वाली नदियाँ हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है वैसा एक पश्चिमी हिमालय मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में यानी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड आदि राज्य आते उसके बाद जो है मध्य हिमालय मध्य हिमालय में या उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है बिहार का और पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम मणिपुर मिजोरम आदि राज्य आते तो यहाँ यानी यह हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो पश्चिमी हिमालय से यानी मानसरोवर के तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो नदियाँ है उसमें यानी उत्तर पूर्वी भाग से निकलने वाली नदियाँ जो है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसकी बहुत सारी उपनदियाँ भी है और दूसरी है गंगा नदी गंगा नदी जो है ये गंगोत्री से यानी इसकी ये आरंभ होती है तीसरी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी यह भी तिब्बत के मान मानसरोवर से आरंभ होकर ये बंगाल के खाड़ी में जाती है ये दूसरे चित्र में इस प्रकार दिया है तीसरा जो चित्र है इसमें बाघ का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानी बाघों की संख्या भारत में जो है यानी सुंदरबन नाम का जो क्षेत्र है सुंदरवन ये क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है पश्चिम बंगाल में यहाँ पर बाघों की प्रजा जो है भारत में सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ पर घने वने इसीलिए बाघों के लिए क्या है यहाँ पर एक सुरक्षित स्थान है इसी तरह यानी यहाँ चौथे तीसरे चित्र में जो है इसलिए पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन के क्षेत्र में बाघों की संख्या अधिक है चौथा जो चित्र जो दिया है यह है यानी अजंता गुफा है अजंता गुफा महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ से 105 किलोमीटर किलोमीटर पर स्थित यानी अजंता ये स्थान है वहाँ पर यह अजंता गुफा है इसका जो आकार है यानी घोड़े की नाल की तरह है गोलाकार है यानी अर्ध गोलाकार और इसमें 26 यानी गुफाएं जो है एक संघ में इसमें यानी उकेरी गई है इसमें यहाँ पर जो है अनेक प्रकार की यानी इसमें राजा महाराजाओं की प्रतिमा जो है इस पहाड़ों में उकेरी गई है यहाँ पर जा अधिकतर जो है बौद्ध बौद्ध की जो प्रतिमा है ये प्रसिद्ध है ये एक यानी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है अजंता गुफा जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यानी प्रसिद्ध है यानी यूनेस्को ने इसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहां पर इसको यानी मान दिया है उसके बाद जो है कि चौथा जो चित्र है एटलांटिक महासागर एटलांटिक महासागर यानी ब्राजील में एटलांटिक महासागर जो है ब्राजील के यानी उत्तर पूर्वी एटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महागर महासागर वैसा यह एटलांटिक महासागर जो है तीन महाद्वीपों में पाया जाता है अमेरिका यूरोप और अफ्रीका और यह अटलांटिक महासागर का जो आकार है यह साकार का है यानी इसका आकार यह आकार का है और इसका जो यानी क्षेत्रफल जो है एटलांटिक महासागर का यानी चौरासी का करोड़ चवालीस लाख यानी पंद्रह हजार यानि इतना क्षेत्रफल है इसका एटलांटिक महासागर सागर का तो इसी तरह से यानी एटलांटिक महासागर जो ब्राज़ील के ब्राज़ील का जो ब्राजील देश के उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर चौथा चित्र जो है यानी यहाँ पर ब्राजील में जो अमेज़न नदी है अमेज़न नदी के वन क्षेत्र में वहां पर अमेज़न नदी का को बहुत सारा भाग जो है दलदली प्रदेश है वहां पर अधिकतर यानी घने वन है और इस वन क्षेत्र में एना या वैसे एनाकोंडा के तीन प्रकार है लेकिन ये जो है ब्राजील में पाया जाने वाला एनाकोंडा जो है ये ग्रीन एनाकोंडा है ग्रीन एनाकोंडा की जो लंबाई है यानी आठ फुट इतनी होती है और इसका वेट जो होता है वजन जो होता है कि इसका वजन यानी नब्बे से Uh, यानी सौ किलोग्राम इतना वजन इसका होता है ग्रीन एनाकोंडा का और सांपों के प्रजातियों में सबसे बड़ा सांप जो माना जाता है ग्रीन एनाकोंडा माना जाता है इसी तरह यानी इस चित्र में इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिए उसके बाद का जो चित्र जो है ब्राज़ील का कॉर्निवल कॉर्निवल यानि एक उत्सव होता है ब्राज़ील में यहाँ पर ब्राज़ील इस देश में ये उस कॉर्निवल नामक उत्सव मनाया जाता है वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वहाँ रहने वाले लोग रंग बिरंगी कपड़े पहनते या अलग अलग देवी देवताओं के अपने चेहरे पर मुखोटे लगाते और अलग अलग प्रकार के यानी यहाँ पर जैसे सांबा नृत्य होता है उसी प्रकार के नृत्य करते इसी प्रकार का यानी कॉर्निवल नामक ब्राजील में मनाया जाने वाला एक उत्सव के रूप में यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है कॉर्निवल उसके बाद जो है ये यहाँ पर ये जो चित्र दिया है रियो डी जेनेरो ब्राजील का यानी दूसरा बड़ा शहर ब्राजील के यानी दक्षिण पूर्वी तट पर बसा हुआ है और यहाँ पर यानी सुंदर समुद्री तट है रिओडी जेनेरो में यानी यहाँ पर सुंदर समुद्री तट दूसरा है कि यहाँ पर जो ऊंची प्रतिमा दिख रही है या वो यशु ख्रिस्त की प्रतिमा बनाई गई है इसी तरह से यहाँ यानी रिओडी जेनेरो जो है यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है ब्राजील का यहाँ पर ऊपर पहले चित्र में जो है एक किला दिखाई दे रहा है उस उसमें यानी बहुत सारे स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए हुए आए हुए तो ये जो किला है उस्मानाबाद जिले के यानी उस्मानाबाद जिले में स्थित है नलदुर्ग नामक किला है सोलापुर से यानी 45 किलोमीटर अंतर पर स्थित है और यहाँ पर इस किले में अनेक छोटे मोटे यहाँ पर झरने हैं और बहुत सारे यानि वहाँ पर मंदिर भी है और बहुत सारे यानि पर्यटक या स्कूल के बच्चे यहाँ पर पिकनिक के लिए पिकनिक मनाने के लिए आते हैं उसके बाद जो चित्र दिया हुआ है यह है अरब सागर और मुंबई अरब सागर जो है यानी अरब सागर का जो क्षेत्रफल है ये 2400 किलोमीटर है और यानी हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर है मुंबई के यानी मुंबई का तटवर्ती भाग या यानी भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग जो है ये अरब सागर है और अरब सागर को लक्करी यानि मुंबई है मुंबई एक जो है क्या है छोटा द्वीप है यहाँ पर भी अनेक यानी इसमें अनेक ऐतिहासिक वास्तु हैं और जैसे गेट ऑफ इंडिया है और घरापुरी गुफा है तो यहाँ इसी तरह यानी ये जो है कि यह अरब सागर और मुंबई उसके बाद जो है कि सिंहगढ़ सिंहगढ़ किला यहां पर इस चित्र में दर्शा सिंहगढ़ किला पुणे से 30 किलोमीटर अंतर पर स्थित है यहां से यानी सिंहगढ़ के किले से चारों ओर यानी पुना सिटी दिखाई देती है या लोनावाला आसपास का पूरा परिसर दिखाई देता है वैसा माना जाता है कि ये किला जो है कि 2000 वर्ष पुराना है यहाँ पर इस किले के ऊपर यानी देवटंकी देवटंकी यानी पानी की छोटे छोटे कुंड भी है इसी तरह यानि इस चित्र में जो है कि सिंहगढ़ ये किला है उसके बाद में जो है अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान जो है या अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है 15 अगस्त उन्नीस में हुई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 15 अगस्त उन्नीस में इसकी स्थापना की गई भारत की यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है कल्पना चावला डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम और माधवन नायर आद या विक्रम साराभाई ऐसे यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक है लेकिन और अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जो इंसान है यूरी गागरीन यूरिगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान है जो 1961 में उन्होंने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा तो ये यानि चित्र में जो दिया है कि अंतरिक्ष यानि यान उसके बाद जो आखिरी यहाँ पर जो चित्र दिया है ब्राजील के अमेज़न नदी का चित्र है और वहां पर पाए जाने वाले वन यानी ब्राजील में ब्राजील में जो अमेज़न नदी है अमेज़न नदी जो पेरू देश के एंडीज पर्वत से यानी इसका उगम स्थान होता है पेरू दे, देश का जो एंडीज पर्वत है वहां से ये नदी यानी पूर्वी भाग से निकलकर ब्राजील के यानी पूर्व में बहते हुए एटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है और इस अमेजन नदी का यानी पानी का बहाव पानी जो है बहाव क्षेत्र जो है सबसे अधिक है और यहाँ पर अधिक से अधिक यानी विषुवत रेखीय वन पाए जाते और बहुत सारा दलदली प्रदेश भी यहाँ पर है इसी प्रकार से यानी यहाँ यानी पुस्तक परिचय जो है या याने दस, कक्षा दसवीं का पुस्तक परिचय नेक्स्ट अब हम यानी कक्षा दसवीं या नमूना यानी अभ्यास के लिए यहां पर जो नमूना प्रश्न पत्र दिया है भूगोल के लिए चालीस अंक होते और कुछ यानी सभी प्रश्न यानी इसमें अनिवार्य होते और दायनी और दिए गए अंक यानी यहां पर क्या दर्शाते पूर्ण अंक दर्शाते दूसरा है कि यहां प्रश्न क्रमांक चार के लिए दिए गए भारत ब्राजील के रेखा मानचित्र का उपयोग कर मुख्य उत्तर पत्रिका के साथ संलग्न कीजिए प्रश्न क्रमांक छ में अ में अ के लिए आपको दिए गए आलेख का उपयोग कर उसे मुख्य उत्तर उत्तर पत्रिका के साथ संलग्न कीजिए पांचवा प्रश्न प्रश्न के उत्तर लिखते समय यथावश्यक मानचित्र बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग हम कर सकते आवश्यकता छठवा है आवश्यकता के के उत्तर लिए स्वच्छ आकृति एवं आलेख बनाइए सातवा प्रश्नों के उत्तर, उत्तर सिर्फ नीली एवं काली यानी काली साई के पेन से लिखिए पेंसिल के उत्तर मान्य नहीं होंगे आठवा आकृति आलेख मानचित्र आदि बना बनाते समय पेंसिल रंगित पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं इसी तरह से यहां पर इस क्वेश्चन पेपर में जो सूचना दी गई है इस सूचना का पालन करना चाहिए इसमें पहला प्रश्न दिया जाता है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए एवं उत्तर पत्रिका में फिर से लिखिए ये पाँच चार मार्च के लिए जो रिक्त सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए ये चार मार्च के लिए आता है उत्तर लिखते समय यानी विकल्प जो सही विकल्प है उसको लिखकर उसके नीचे अधोरेखित करना चाहिए और वाक्य पूर्ण तरह से लिखना चाहिए इसी तरह से यानी चार मार्क्स के लिए जो है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए एवं उत्तर पत्रिका में फिर से लिखिए यह चार मार्क्स के लिए आता है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है उचित जोड़िया मिलाइए चार मार्क्स के लिए जोड़िया मिलाइए इसके लिए क्वेश्चन होता है तो जोड़िया यानी लिखते समय स्तंभ अ और स्तंभ ब पहली जोड़ी के सामने जो सही उत्तर है उसको यानी जो सही उत्तर है उस पहले अंक के सामने जो उत्तर आता है उसको उसके सामने लिखना चाहिए इसी तरह से यानी जोड़िया मिलाइए क्वेश्चन जो है चार मार्क्स के लिए आता है और चार इसके लिए छह पर्याय दिए जाते हैं और उचित पर्याय के सामने यानी उचित उत्तर लिखकर ये उचित जोड़ियाँ मिलाए ये क्वेश्चन लिखना होता है क्वेश्चन तीसरा अंतर स्पष्ट कीजिए तीन क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें से दो लिखना होते एक क्वेश्चन को यानी दो मार्क्स होते और इसमें दो क्वेश्चन लिखना होते हैं चार मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है भारत का स्थान और ब्राजील का स्थान यानि भारत ब्रा, और ब्राजील दोनों में क्या अंतर है स्थान और विस्तार इसके बारे में जानकारी यानी लिखना होती है तो ऐसे ब्राजील का संचार और भारत का संचार तीसरा क्वेश्चन है अमेज़न नदी का जल परिवहन और गंगा नदी का जल परिवहन अंतर स्पष्ट कीजिए में क्वेश्चन नंबर तीन में कोई भी दो क्वेश्चन लिखना होते चार मार्च के लिए आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार दिए गए ब्राज़ील के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित जानकारी भरिए और नामांकित कीजिए तथा सूची तैयार कीजिए यहाँ पर ब्राज़ील के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित जानकारी यानी भरना होती है चार मार्च के लिए कोई भी चार छः पर्याय दिए जाते हैं और चार भरना होते हैं इसके लिए यानी ये कोई भी यानी चार मार्स के लिए क्वेश्चन होता है अगर ये छह भी अगर हम लोग भरते तो भी यानी यानी चलता है और इसी तरह से यानी चौथा जो क्वेश्चन है चार मार्स के लिए यानी मानचित्र में दर्शाते समय यानी सूची बनाना आवश्यक होता है कोई भी मानचित्र आ सकता है यानी भारत का मान भारत के मानचित्र में जानकारी भरी है ऐसे यहाँ पर ब्राजील के मानचित्र में आदि स्थान भरने के लिए आए तो इसके लिए मानचित्र भरते समय सूची यानी बनाना आवश्यक होता है नेक्स्ट यहाँ पर एक भारत का मानचित्र दिया गया है और इसका इस मानचित्र का अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना होते इसके लिए भी यानी छः क्वेश्चन दिए जाते और चार चार हल करना होते चार मार्क्स के लिए तो इसमें नेक्स्ट तो भारत के मानचित्र में पहला क्वेश्चन है भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तो बा बंगाल की यानी खाड़ी जहां पर है एक नंबर लिखकर उसको वहां पर दर्शाना होता है कि एक नंबर क्वेश्चन नंबर एक भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है तो इसको यहाँ पर मानचित्र में दर्शाना है तो यहाँ पांच जो पर्याय दिए चार यानी यहाँ पर लिखना होते चार मार्च के लिए दूसरा क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है तो हिंद महासागर जो यहाँ पर दर्शाना होता है तीसरा क्वेश्चन है भारत का अति दक्षिणी छोर कौन सा है भारत का अति दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी है तो यहाँ पर भारत के मानचित्र में उसे दर्शाना होता है चौथा है सिक्किम राज्य के पड़ोस में कौन कौन से देश है सिक्किम राज्य के पड़ोस में जैसे भूतान है इधर यानी चीन है तो उसको दर्शाना होता है तो ये एक मार्च के लिए होता है पांचवा क्वेश्चन है पंजाब के पड़ोस में कौन सा देश है पंजाब के पड़ोस में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान इस देश को दर्शाना है तो इसी प्रकार से जो है कि यह चार मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहां पर पांच है पांच नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित भौगोलिक कारण लिखिए कोई भी दो चार इसमें प्रश्न दिए जाते हैं उसमें से दो क्वेश्चन यानी यहाँ लिखना होते छः मार्क्स के लिए होते एक भौगोलिक कारण होता है तीन मार्क्स के लिए और दो लिखते हैं तो छः मार्स के लिए यह क्वेश्चन होता है और चार पर्याय दिए जाते हैं उसमें से दो लिखना होते छः मार्स के लिए तो इसी तरह से यानी भौगोलिक कारण का क्वेश्चन जो है छः मार्च के लिए होता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर छ और इसमें नीचे नीचे दी गई सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर स्तंभालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए यहाँ पर इस ये क्वेश्चन जो है छ मार्स के लिए होता है यानी तीन तीन मार्च के लिए इसकी यानी तीन मार्च के लिए होता है कि इसके तीन मार्क्स के लिए आलेख बनाना होता है और तीन मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन दिए जाते है अमे यानी यहाँ पर सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर स्तंभालेख तैयार कीजिए की। विभाग में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत याद दिया है प्राथमिक व्यवसाय में दिया है 48.8 पॉइंट प्रतिशत द्वितीय व्यवसाय में दिया है 24.3 प्रतिशत और तृतीय में दिया है छब्बीस पॉइंट नाइन प्रतिशत ये तीन मार्च के लिए स्तंभ वाले का आता ये जो है ये जोड़ वाले के तो इसी तरह या यानी स्तंभालिक निकालने के लिए आता है तीन मार्च के लिए और तीन मार्च के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं और तीन मार्च भारत में किस विभाग में सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है सर्वाधिक जनसंख्या जो कार्यरत है प्राथमिक स्तर में जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है यह अगर हम लोग लिखते हैं तो इसके लिए एक मार्क्स ऐसे तीन क्वेश्चन दिए जाते हैं तीन मार्स के लिए यानी स्तंभालेख तैयार करने के लिए तीन मार्क्स होते और प्रश्न उसके ऊपर जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके लिए तीन मार्क्स होते ऐसे छः अंकों के लिए यानी एक क्वेश्चन नंबर छ दिया जाता है क्वेश्चन नंबर छ इसमें आ क्वेश्चन नीचे दिए गए आलेख का निरीक्षण कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए यहाँ पर जो आलेख दिया है उसका निरीक्षण करना है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है ये होता है छह मार्स के लिए इसमें छ गुणों के लिए यह क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर छ इसमें छह प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होता है या पहला प्रश्न जो दिया है आंकड़ों में कितना कालांतर है यहां पर यानी आंकड़ों में दस प्रतिशत का यहां पर जो कालांतर दिया है तो इसी तरह से यानी ये छह क्वेश्चन दिए जाते हर एक क्वेश्चन को एक मार्क्स होता है छः मार्क्स के लिए यानी क्वेश्चन नंबर छः आ ये छः मार्क्स के लिए होता है सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए तीन प्रश्न दिए जाते हैं और इसमें से कोई भी दो प्रश्न हल करना होते पहला प्रश्न है पश्चिमी घाट की विशेषता यानी ये इस प्रश्न का उत्तर यानी विस्तार से लिखना होता है कम से कम 40 से 50 शब्दों में इसका उत्तर होना चाहिए कोई भी दो यानी ये यहां पर नीचे ले रहे ये प्रश्न जो होता है कि कोई भी दो प्रश्न लिखना होते और इसमें तो यहाँ ये प्रश्न जो है कि छः मार्क्स के लिए होता है और एक प्रश्न यानी तीन मार्क्स के लिए तो इसी तरह से यानी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए कोई भी दो प्रश्न लिखना होते छः मार्क्स के लिए तो यहाँ पर कक्षा दसवीं यानी भूगोल का यानी हमने प्रश्न पत्र का इस तरह से परिचय किया